400 से ज्यादा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को आएगी और बिहार से महागठबंधन यानी कि नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और कांग्रेस पार्टी का सबका सुपड़ा साफ हो जाए। 15-16 साल यह लक्ष्य नहीं था उनका, ये अभी कुछ लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ लालच दे दिया और लालच में बोल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बताए ना कि क्या क्या कौन पार्टी क्या उनके विषय में अभी से ही उम्मीदवार होंगे ना होंगे, कौन उम्मीदवार होगा ना होगा इसकी हम लोग चिंता थोड़े कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने, देश और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे उनको बोलने दीजिए ना, वो तो दो की संख्या से ना शुरू किए थे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। इसका लाभ मिलना ही मिलना है। कितना परसेंट वोट आया था उनको? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ था। 62% वोट जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा वो 75% पर पहुंच जाएगा। अमित शाह भी आ रहे हैं 23-24 को। अमित शाह जी अब आएंगे और देश भर में और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करेंगे। बिहार के लोग सतर्क हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बिहार में 40 में 40। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम 50 से कम सीट पर हिंदुस्तान में सांसद में भेजेंगे। जो व्यक्ति आज 50 सीट विधायक का बिहार में नहीं जीत सका, वह व्यक्ति हमें समझाता है कि 50 से कम सीट जाएगा। आज तक जीवन भर पेंडुलम की तरह कभी इधर सटे कभी उधर सटे और उसके सहारे अपना बेड़ा पार किए और हमें समझाया जाता है। यह पेंडुलम तो इस बार भी है, लेकिन इस बार नया पेंडुलम है। अभी तो केवल इस पेंडुलम को भाजपा ही ठोक रही है। 6 महीना के बाद तेजस्वी भी ठोकेंगे और नीतीश जी पेंडुलम की तरह दोनों साइड पर बताएंगे। यह मैं आज भी आपको पलटू राम तो नहीं गए, ये भगवान राम का अपमान होगा। हम पलटू कुमार कहेंगे। अब बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है कि अब बिहार में पलटू कुमार है जो कभी भी किसी के साथ पकड़ जा सकता है, कोई गारंटी का सिद्धांत नहीं। तो सामाजिक संरचना को समझिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं, क्या गठबंधन गठबंधन में बना है इनको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले बार तो खाता खुल गया था गलती से, इस बार तो हम लोगों का टारगेट है उसको भी 40 की 40 सीट हम लोगों के लिए बताऊंगा।